और मेहता साहब जेठा भरा कहाँ रह गए? उनको क्या काम है जेठालाल से? ओ अय्यर भरा, और सावन का महीना चल रहा है, कोई पत्ता छत्ता खेलने का प्रोग्राम है कि नहीं? सही बात है, पत्ते तो होने चाहिए। चलो जेठालाल से बात कर लेते हैं अभी। हाँ पूछिए पूछिए। कहाँ रह गया भाई जेठालाल? ओ करो करो जी, जल्दी करो। हाँ बोलिए मेहता साहब। अरे भाई जेठालाल कहाँ हो तुम? यहाँ सारे के सारे लोग बेसब्री से अब्दुल शॉप पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं सोडा पीने के लिए, कहाँ रह गए? अरे नहीं मेहता साहब, अभी क्या त्योहार पे त्योहार आ रहे हैं ना, तो हिसाब देखने का टाइम ही नहीं मिला, तो थोड़ा हिसाब देखने बैठा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। अरे असल में क्या है कि भाई त्योहार पे त्योहार आ रहे हैं, सावन का महीना चल रहा है, तो सब पूछ रहे हैं क्या विचार क्या है इस बार। विचार तो अच्छा है, लेकिन विचार को विचार ही रहने दीजिए मेहता साहब। क्यों? अरे एक बार तो बापूजी के हाथों पकड़े गए, अभी दोबारा मैं बापूजी के हाथों पकड़ा गया ना, तो बापूजी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बात तो बिल्कुल ठीक है जेठालाल, तो मतलब इस बार सातम आठम का प्रोग्राम कैंसिल? कैंसिल कैंसिल। ठीक है, पर सोडा पीने तो आ रहे हो ना? नहीं नहीं आज नहीं। चलो ठीक है फिर, गुड नाइट। ओके ओके। क्या हुआ मेहता साहब? जेठालाल ने मना कर दिया भाई। ओ मेहता साहब की प्रॉब्लम हुई? अरे भाई सोडी, जेठालाल ने कहा कि एक बार खेलते हुए बापूजी ने पकड़ लिया था, और इस बार अगर खेलते हुए पकड़ लिया तो फिर छोड़ने वाले नहीं है हमें। और देखो भाई मैं भी कहता हूँ हमें खेलना नहीं चाहिए, हमारी बीवियाँ RHPW जो ठहरी। RHPW? ये क्या है? जाना स्माइल। RHPW? रंगे हाथों पकड़ने वाली। RHPW। सही बात है, भगवान ने उन्हें गजब की सेंस दी है, जब भी कुछ हम ऐसा करने जाते हैं तुरंत पकड़े जाते हैं। हाँ भाई हाँ बराबर है, और पूरा महीना फिर ताने मारती रहती है। रहने दो भाई रहने दो, काश मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसी होती जो मुझे रोज ताने मारती। बबड़ालाल टेंशन मत लो, सावन का महीना है, बहुत पवित्र महीना है, तुम व्रत रखो तुम्हारा शादी हो जाएगा। हाँ हाँ ये अरे पर लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती है तो उन्हें पति मिलता है, इन्हें पत्नी तब मिलेगी जब ये 32 सोमवार रखेंगे। अरे मेहता साहब 32 क्या, मैं 3200 सोमवार रखने को तैयार हूँ। अरे तब तक तुम्हारी 32 ही नहीं रहेगी पोपटलाल जी। सही बात है। आज तो मेरी 32 हड्डियां तोड़ने वाला है सोड़ी। आता इकड़े अय्यर भाई, कब से देख रहा आप सोडा नहीं पी रहे, मोबाइल पे लगे पड़े हो। ए अब्दुल, कल बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसलिए मेरे सारे कलीग को मैं मैसेज कर रहा हूँ, अर्जेंट है। अय्यर भाई सोडा पी लीजिए, गैस उड़ जाएगी। ओके ओके, घर जाके मैसेज करता हूँ। अरे हाँ इससे याद आया, जन्माष्टमी का क्या प्रोग्राम करना है? भिड़े मास्टर, इस बार ऐसा कुछ होना चाहिए कि सारी जिंदगी याद रहे। हाँ आदवाराम, इस बार कृष्ण जन्म का सेलिब्रेशन बहुत अनोखा होना चाहिए। भाई मैं बताता हूँ इस बार जन्माष्टमी में हमें क्या करना चाहिए। क्या? ओ पप्पू, ओ तेरा बोल के कोई मतलब नहीं है, इसमें सब बीवियां तय करेंगी। करेक्ट है, कोई मतलब नहीं है। कमाल है, ये क्या जबरदस्ती है, मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं कुछ बोलूं भी नहीं। सही बात है। अत्ती भाई क्या मतलब है आपका? अरे नहीं नहीं मेरा मतलब है, बोलो बोलो तुम भी बोलो। अच्छा हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं सोच के कल बताऊंगा। अरे भाई बहुत टाइम पड़ा है पोपटलाल, सोच के आराम से कल बताना ना, अभी हम लोग घर चले भाई, नहीं तो बीविया लाख सवाल करेगी। हाँ भाई हाँ चलो 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 चलो। ये लो भैया तुम्हारी कॉफी। थैंक यू बबीता, थैंक यू। क्या बात है बबीता, अरे तुम्हारा जैसा कॉफी तो दुनिया में कोई बना ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच। पर अय्यर रात को कॉफी नहीं पीनी चाहिए, तुम्हें नींद नहीं आएगी। अरे बबीता तुम्हारी बात एकदम बराबर है, लेकिन मेरे आबिद के कलीग को मेरे को बहुत अर्जेंट मैसेज करना है, कल एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसलिए जागना तो पड़ेगा ही, बस थोड़ा टाइम और। अरे मैसेज जा क्यों नहीं रहा है? अरे नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क तो है, एकदम स्क्रीन भी काला हो गया। अरे क्या हो गया मालूम नहीं। क्या हुआ? लगता है मोबाइल हैंग हो गया है,
अरे कैसे? बबीता अब मैं क्या करूँ, तुम्हारे नंबर भी इसी मोबाइल में है। अगर मेरे कलीग को मैसेज नहीं मिला तो कल सब गड़बड़ हो जाएगा। एक काम करते, हम लोग जेठा जी के पास चलते, उनकी तो मोबाइल की शॉप है ना, तो आई एम श्योर वो हमारी कुछ मदद कर पाएंगे। जेठा लाल का एहसान कौन ले? क्या हुआ बबीता? मैं क्या सोच रहा हूँ कि आत्माराम के पास भी मेरा जैसा ही मोबाइल था, तो मैं उसको पूछ लेता हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद कर सके। ओके। हाँ बोलो अय्यर। आत्माराम मेरा मोबाइल हैंग हो गया है। अरे देवा, किसी ने आत्महत्या कर ली है। अय्यर तुम हिम्मत रखो, किसने आत्महत्या की? आत्महत्या? अरे ये क्या बोल रहे तुम आत्माराम? तुमने बोला ना कोई हैंग हो गया है। जागो जागो आत्माराम, कोई हैंग नहीं हुआ है, मेरा मोबाइल हैंग हो गया है। माजे काय झालं? मोबाइल हैंग हो गया ये बोल रहे हैं। कठिन है, कुछ भी सुनते हो आप, मुझे डराते हो। अय्यर तुम्हारा फोन हैंग हो गया तो इतनी रात गए मुझे फोन क्यों किया? दरअसल आत्माराम क्या है कि मेरे कलीग को मुझे बहुत अर्जेंट मैसेज करना है, कल एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, लेकिन क्या मेरा मोबाइल हैंग हो गया है, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, क्योंकि तुम्हारे पास भी मेरा जैसा ही मोबाइल था, तो प्लीज तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो। हाँ मेरे पास ऐसा सेम फोन था, लेकिन उसने आत्महत्या नहीं की थी, वो नेचुरली डेड हो गया था। क्या बोल रहे तुम आत्माराम? तुमको डिस्टर्ब किया, सॉरी। अरे एक काम करो अय्यर, तुम जेठालाल को फोन करो ना, उसकी मोबाइल की शॉप है ना, उसको मालूम होगा। वही तो प्रॉब्लम है, उसके पास जाना नहीं है। अय्यर सुन रहे हो? ओके गुड नाइट। हाँ हाँ गुड नाइट। सकाई तो कौन सका? क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, अब्दुल को फोन करता हूँ, वो ऐसे सब कामों में बहुत एक्सपर्ट है, हो सकता है वो मेरी कुछ मदद करे। बोलो यार भाई। अब्दुल एक टेंशन हो गया है। क्या? मेरा मोबाइल हैंग हो गया है और मुझे कुछ अर्जेंट मैसेज करने, प्लीज तुम कुछ कर सकते हो? एक काम करो, आप बसंत सिनेमा हॉल पर आ जाओ। बसंत सिनेमा हॉल? क्यों? मैं यहाँ पर शाहरुख भाई की फिल्म देखने के लिए आया हूँ, चेन्नई एक्सप्रेस। क्या तब तक फिल्म खत्म हो जाएगी? उसके बाद मैं आपका मोबाइल रिपेयर करा के दे दूंगा। यह तो मूवी देख रहा है। अब्दुल तुम मूवी देखो, मैं कुछ और सोचता हूँ। ओके ओके। देखो अय्यर, इस वक्त मुझे जेठा जी के वहाँ जाने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। वो बात भी सही है, चलो जेठा लाल के पास। अय्यर भाई, बबीता जी कहीं बाहर जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, वो एक्चुअली अय्यर का मोबाइल हैंग हो गया है, तो हम लोग जेठा जी के घर पे जा रहे हैं। अय्यर भाई आप साइंटिस्ट हो और आपको मोबाइल रिपेयर करना नहीं आता? कपड़लाल तुम पत्रकार हो, तुमको मलाई कोफ्ता बनाने को आता है? पत्रकार का मलाई कोफ्ता से क्या लेना देना? वैसे ही साइंटिस्ट का मोबाइल के रिपेयरिंग से क्या लेना देना, दोनों अलग अलग है। कुछ भी बोलते हो, छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाते हैं। चलो तुम भी आ रहे हो जेठालाल के घर पे? अरे नहीं भाई नहीं, मैं क्यों आऊंगा जेठालाल के घर, मेरा मोबाइल एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। असल में क्या है, मुझे रात को जगकर एक आर्टिकल कंप्लीट करना है, तो चाय पीने बाहर गया था। अब मेरी बीवी तो है नहीं, जब मुझे जब चाहिए तब चाय बनाकर पिलाएगी, जब देखो तब मेरी दुखती नस पे हाथ रख देते हैं। अरे मैं क्या बोला इसको ऐसा, मैं तो कुछ नहीं बोला। आई नो इट्स ओके, चलो चलो चलते। अरे
स्कूल में कृष्ण भगवान बनने वाला है, ये उसका कपड़े है। अरे दया खाकर इस बार तो हम आपको क्षमा कर देते हैं राधे, लेकिन अगली बार अगर आपने हमें मक्खन नहीं दिया तो न चाहते हुए भी हमें किसी दूसरी गोपी से मक्खन लेना पड़ेगा राधे। हम आपसे कह रहे हैं राधे, समझे राधे? ना ना कन्ना, एक मिनट कन्ना। जो भी हो जेठा जी, आप दोनों बहुत क्यूट लग रहे हो। बबीता जी, ये तो टप्पू टप्पू के स्कूल में वो कृष्ण भगवान बनने वाला है ना, तो ये टप्पू के कपड़े हैं। और क्या है दया, बचपन में रामलीला में इतनी बार कृष्ण बनी है। रामलीला? सॉरी, रासलीला। रासलीला में इतनी बार कृष्ण बनी है ना के बचपन की यादें ताजा करने के लिए अभी थोड़ा वो कृष्ण बनी वापस। अच्छा अच्छा अच्छा, दया भाभी बचपन में कृष्ण बनती थी, लेकिन जेठालाल तुम भी बचपन में गोपी बनते थे? नहीं नहीं, मैं बचपन में कुछ नहीं बनता था। नहीं, लेकिन जो अभी तुमने गोपी बनकर जो डांस किया ना, उसमें बहुत मजा आ गया। अय्यर? वो क्या है अय्यर भाई, अगर मन में
कृष्ण भगवान के प्रति सच्चा भक्ति भाव हो ना तो गोपियों जैसा डांस अपने आप हो जाता है। हाँ वंडरफुल जीठा जी, कितनी अच्छी बात कही आपने। थैंक यू बबीता जी। आप लोग खड़े क्यों हो, बैठिए ना, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, हमें बैठना नहीं है। वो एक्चुअली अय्यर का फोन हैंग हो गया, तो जीठा जी आपसे जरा मदद चाहिए था। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। क्यों रे, बबीता जी ने हमें अपना समझा और हमारे में तो कहावत भी है, पहलो सगो ते पड़ोसी। खरे खर तो अय्यर भाई आप चिंता मत कीजिए, आपका ये मोबाइल कल रिपेयर हो जाएगा। कल? नहीं 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 जड़ालाल, कल तो बहुत लेट हो जाएगा। क्या है, कल मेरे ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और उसके लिए मेरे सभी कलीग्स को मुझे अर्जेंट मैसेज भेजना है। जड़ालाल कल तो बहुत लेट हो जाएगा, कल बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये मोबाइल मेरे को अभी के अभी चालू करके चाहिए प्लीज। अरे तो टप्पू के पापा के मोबाइल से मैसेज कर लो। अरे भाभी वैसे तो मैं बबीता के फोन से भी मैसेज कर सकता था। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? नहीं क्या है, जिन जिन लोगों को मेरे को मैसेज करना है ना, वो सब नंबर इस मोबाइल में है। ओ, और आपका मोबाइल फोन तो एकदम धबड़क हो गया है। धबड़क? टप्पू के पापा आप बाघा भाई को फोन करके पूछे ना, अगर वो अभी के अभी यहाँ आ सके तो अय्यर भाई का फोन फटाफट ठीक हो जाएगा। इतने रात को जेठा जी प्लीज। अरे अरे बबीता जी आप प्लीज मत बोलिए प्लीज। मैं ये कह रहा था इतनी रात हो गई तभी क्या हुआ, एक फोन करूंगा बागा दौड़ा चला आएगा। बस खाली मेरा फोन करने पे वो फोन उठा ले तो। टप्पू के पापा सुब सुब बोलिए, बागा भाई फोन उठाएंगे, जरूर उठाएंगे, आप फोन लगाइए, लगाइए फोन लगाइए। ये अय्यर भाई का फोन है, थबड़क वाला, ये है थबड़क वाला। लगी जाएगा, लगेगा। सेठ जी का फोन? हाँ सेठ जी। उठाया उठाया फोन, उठाया उठाया। हाँ क्या हुआ सेठ जी? अरे कुछ नहीं हुआ भाई, तूने फोन उठा लिया इसलिए यहाँ सब लोग खुश हो गए। कहाँ कौन खुश हो गया, कहाँ चल रही है पार्टी? अरे कोई पार्टी नहीं चल रही है, मैं घर पे हूँ। बबीता जी अय्यर भाई आए, अय्यर भाई का वो फोन जरा हैंग हो गया है तो उनको कुछ अर्जेंट काम है, तो अभी कभी उनका फोन उनको रिपेयर करके चाहिए, तो तू अभी थोड़ा इधर घर पे आ सकता है? सेठ जी ये हो नहीं सकता। अरे तो ना बोल रहा है, नहीं हो सकता। नहीं सेठ जी मेरी पूरी बात तो सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं आ सकता। तूने अभी बोला ना ये हो नहीं सकता। नहीं हो सकता मतलब मुद्दे लाख बुला चाहे तो क्या होता है, बागा चीर निंद्रा में हो तो भी आ जाता है। ओ, बोल रहा है लाख रुपया देंगे तो भी मैं नहीं आ सकता, मैं चीर निंद्र में हूँ। नहीं 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 सेठ जी आप समझे नहीं, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए ये बागा अय्यर भाई का मोबाइल रिपेयर कर देंगे। रिपेयर? नहीं मतलब रिपेयर, लेकिन क्या है सेठ जी वो खीर के साथ रिपेयर का प्रास बैठ रहा था ना, इसलिए रिपेयर बोल दिया। अच्छा अच्छा मतलब तू आ रहा है। हाँ हाँ सेठ जी, एक बार जो बागा ने कमिटमेंट कर दी उसके बाद वो अपने आप की भी नहीं सुनता। अरे भाई तू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ सेठ जी आ रहा हूँ। बस तो फटाफट तो मेरे घर पे आजा, हम लोग तेरी राह देख रहे थे, जल्दी आ। आ रहा है बागा, आ रहा है। नाइस। ओहो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
केले के छिलके से फिसल के जो गिर जाए मित्रों से बदनसीब कहते हैं, लेकिन बगैर केले के छिलके के भी जो गिर पड़े उसे मेरा परम मित्र जेठालाल कहते हैं। अब देखिए ना, गोपी किशन की रासलीला चल रही थी और आ गया अय्यर और बबीता, और अब बुलाया गया है बाघा को अय्यर का मोबाइल रिपेयर करने के लिए। और बाघा कितने कमाल के कैरेक्टर है ये तो आप जानते हैं। अब वो क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। कहीं ये मोबाइल रिपेयर करने की बजाय कहीं कुछ और हंगामा न कर बैठे, वो जेठालाल के लिए एक नई मुसीबत न खड़ी कर दे भाई। लेकिन आप जानते हैं मेरे परम मित्र, जितनी ज्यादा मुसीबतों में होते हैं उतनी ही ज्यादा हंसी आपके घरों में होती है। फिर देर किस बात की, इंतजार कीजिए कि किस तरह हंसेंगे आप जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.